नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत स्वास्थ्य चौक स्थित प्रेस क्लब पर अरुण श्रीवास्तव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 9 नवंबर से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर से मगहर कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक पदयात्रा निकाली जा रही है। यह कार्यक्रम पूरा देश और हर जिलों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि देश की सामाजिक कार्यकर्ता मीना पाटकर, राम गोविंद चौधरी और बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजत इस पदयात्रा का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस पदयात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली ऐसी पदयात्रा होगी जिसमें जनता के सवालों का जवाब देंगे, ताकि जो नफरत की भावना लोगों के अंदर फैल रही है उसको खत्म किया जा सके। इस अवसर पर यात्रा संयोजक डॉक्टर चित्तरंजन मिश्रा, यात्रा संयोजक अरुण ब्रह्मचारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अरुण श्रीवास्तव ने कहा, किस संबंध में प्रेस वार्ता की जा रही है? ये प्रेस वार्ता आगामी 9 नवंबर से 14 नवंबर तक बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली से कबीर के परिनिर्वाण स्थली तक एक पदयात्रा निकाली जा रही है, जो नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के तहत की जा रही है। यह कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है और हर जिलों में हो रहा है, और उसी सिलसिले में यहाँ पे भी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 9 तारीख को 9 बजे सुबह यह कार्यक्रम शुरुआत होगी, उसका हरी झंडी इस देश की सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर झंडी दिखाएंगे। राम गोविंद चौधरी जो नेता विरोधी दल थे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग 30 से 40 पदयात्री उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों प्रदेश के लोग हमारे साथ रहेंगे। हमारा इस यात्रा का प्रयास यही है कि जो समाज में नफरत फैल रहा है, और ये सारा नफरत केवल झूठ के आधार पर है या अफवाह के आधार पर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों के पास जाएँ और उनके सवालों का जवाब दें। हम भाषण देने नहीं जा रहे हैं, यह पहली ऐसी यात्रा होगी जिसमें जनता के सवालों का हम जवाब देंगे, ताकि जो नफरत की भावना लोगों के अंदर फैल रही है उसको ख़त्म किया जा सके। ये यात्रा पहली रात को हेतिमपुर में रहेगी, दूसरे दिन हाटा के पास रहेगी, तीसरे दिन पिपराइच में रहेगी, चौथे दिन हम पादरी बाज़ार की तरफ से गोरखपुर शहर में प्रवेश करेंगे, और जितने भी विभूतियों की मूर्तियां हैं सब पर माल्यार्पण करते हुए गांधी जी की मूर्ति के पास लगभग 4 बजे 12 तारीख को उसका समापन होगा। शाम को एक बड़ी गोष्ठी होगी गोरखपुर क्लब में। फिर पांचवें दिन हम सवेरे प्रेमचंद पार्क होते हुए शहर के सभी उर्दू बाज़ार, पाणे हाता, देती चौक, नखास, बख्शीपुर, अली नगर, हुमायूंपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, और वहाँ से फिर हम लोग डोमिनगढ़ चले जाएंगे, और वहाँ से रात को हम लोग डोहरिया में ठहरेंगे। दूसरे दिन हम लोग जगतबेला होते हुए, सहजनवा होते हुए शाम को कबीर स्थली पहुँच जाएंगे। समापन समारोह में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी आ रहे हैं, और श्री माता प्रसाद पांडे जो पूर्व स्पीकर थे वो रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक वीरेंद्र चौधरी जी हैं वो भी उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और 14 तारीख को यात्रा समाप्त हो जाएगी।